पुलिस के खिलाफ वर्दी के खिलाफ आम आदमियों का गुस्सा फूटता है। यहाँ तक पुलिस को तालिबानी हुकूमत का भी दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन समस्तीपुर के दलसिंहसराय पुलिस ने जो किया है वो काफी काबिले तारीफ है। पेश है डी न्यूज का स्पेशल रिपोर्ट। गौर से देखिए पुलिस की जीप में बैठे इस महिला को, जिसे पति ने प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया है, और पिछले एक साल से यह बेबस महिला दर दर की ठोकर खा रही थी और नहीं मिल रहा था इसे कोई मसीहा जो इसके वैवाहिक जीवन को फिर से बसा सके। नाम पिंकी, उम्र 24 साल। गुनाह सिर्फ इतना कि इसने अपने पति से मांगा समोसा, बात कही फिल्म देखने की और पति ने कर दी धुनाई। इतनी छोटी कसूर के लिए पति ने निकाल दिया पिंकी को घर से। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था पिंकी के साथ, जिसने बड़ी ही धूमधाम से वर्ष 2008 में दलसिंहसराय थाने के अजनौल गांव के प्रेमजीत के साथ शादी रचाई थी। लेकिन पति और ससुराल वाले शादी के कुछ ही दिन बाद पिंकी को प्रताड़ित करने लगे और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मजबूरन पिंकी पहले समाज के सामने उजड़े परिवार को बसाने के लिए न्याय की भीख मांगी, लेकिन पति की दबंगता के डर से समाज की एक ना चली। थक हार कर पिंकी ने दलसिंहसराय थाने का सहारा लिया, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ यह समाज और पुलिस महकमे के लिए बहुत ही बड़ी सीख है। पहले सुबह आज जब पिंकी दलसिंहसराय थाने पे पहुंची और थाना प्रभारी को जब अपना सारा दुख दर्द सुनाई, तो दलसिंहसराय थाना अध्यक्ष रमेश चंद्र उपाध्याय को रहम आ गई और थाना अध्यक्ष पहुंच गए पिंकी के ससुराल। काफिला पहुंच गया दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के अजनौल गांव, जहां पर गांव के लोग तमाशाबीन बन 4 घंटे तक देखते रहे सारे तमाशे। पुलिस के डर से उसका पति प्रेम नहीं आ रहा था, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बाद पिंकी का पति प्रेम पुलिस के सामने आया और काफी मशक्कत के बाद वो समाज और पुलिस की बात को समझ पाया और पिंकी को अपने घर में रखा। कैसे रखेंगे किसी प्रकार के हरकत नहीं करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। आज से जो भी कुछ होगा और आगे कुछ नहीं होगा, गलत ऐसा भी कोई काम जो हमारे तरह भी कोई प्रशासन आए जो लोग के धन्यवाद। क्या पहले आपकी पत्नी आरोप लगाई है कि आपके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, ये सब मामला जो है क्या ऐसा था? अब आप पत्नी को रखेंगे बढ़िया से? क्या नाम है? पिंकी और उसके पति के बीच समझौता का माध्यम बना दलसिंहसराय थाना और पुलिस और शपथ पत्र, जिस पर पिंकी और प्रेम ने सशर्त समझौता किए, जिसमें बिना किसी कारण के कोई विवाद न होने की भी बात कही गई है और पति पर किसी भी प्रकार का दबाव भी नहीं बनाया गया। जिंदगी अपना काट लेते हैं आएंगे, लेकिन एक साल ससुराल में बहुत ज्यादा बहुत गंभीर हो जाएगी। सब ये कहां है अपनी भाइयों का लग ले छटिया के कितना का नहीं नैरा बन ना अभी ऊपर है नदिया सही ये कहां है अभी कहां है नैरा बन अपने नाम दे दिए। नाम क्या पता नाम दे दीजिएगा।
एक साल पूर्व। लेकिन क्या इन सब के बाद भी पिंकी की जिंदगी संवर पाती है? पिंकी अपने पति के घर में कितने दिन तक रह पाती है? यह एक सवालिया निशान है। क्या पिंकी की जिंदगी को पुलिस के प्रयास के बाद एक नया वसंत मिल पाएगा? डी न्यूज के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार।